नमस्कार दोस्तों, मेरा मनोज कुमार है, गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अगर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए न्यू अप्लाई किए हैं तो उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे। दोस्तों, तो मैं एक और नेक्स्ट मंथ में एक वीडियो पोस्ट किया था, न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो बहुत सारे कस्टमर को कुछ बहुत सारे सब्सक्राइबर को कुछ अभी त्रुटि हो गया था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कैसे वो स्टेप को पार करेंगे, यानी कि 8 स्टेप होते हैं दोस्तों, 8 स्टेप को पार करना पड़ता है। तो मैं चलिए आज मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूँ, और मैं आज कुछ एक ऐप से भी मैं बताऊँगा, उस पर मैं कंप्यूटर से बताया था दोस्तों। तो आज मैं ऐप से यानी कि एंड्रॉयड ऐप से भी बताऊँगा, एक सुविधा ऐप है दोस्तों उससे भी बताऊँगा, और फिर आपको पीसी में मिले चलूँगा वहाँ से भी विस्तार से आपको बताऊंगा। तो उसके लिए दोस्तों आप एक ऐप को इंस्टॉल करने पड़ेगा जिसका नाम है सुविधा ऐप। तो मैं सुविधा ऐप को इंस्टॉल कर लिया हूँ दोस्तों, मैं डायरेक्ट सुविधा ऐप पे मैंने क्लिक करता हूँ, और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए सुविधा ऐप ओपन हो रहा है, और यहाँ पर आपको न्यू विद्युत, देखिए न्यू विद्युत संबंध हेतु सेवाएं पर आपको क्लिक करना है, और चेक यहाँ पर देखिए चेक स्टेटस ऑफ न्यू कनेक्शन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अपना रिक्वेस्ट आईडी, जब आप न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई किए थे तो आपको एक रिक्वेस्ट आईडी आपको दी गई होगी, वो रिक्वेस्ट आईडी आपको यहाँ पर आपको टाइप करना है दोस्तों। उसके बाद टाइप करने के बाद गेट स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। और गेट स्टेटस पे मैंने क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं क्लिक किया दोस्तों तो यहाँ पर देखिए यहाँ पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर दिया, यानी कि एप्लीकेशन सबमिटेड, एप्लीकेशन वेरीफाई, वेरीफाई बाय लोकल ऑफिस, ड्यूज वेरिफिकेशन और टेक्निकल, इतना तक मेरा कंप्लीट हो गया। अभी मीटर इंस्टॉल और मीटर वेरीफाई और ऐड बिलिंग, इतना भी मेरे पास बच रहा है। तो इसके विषय में मैं आपको विस्तार से, चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ, और इसके विषय में मैं पूरा विस्तार से आपको मैं समझाता हूँ। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो मैं अपने कंप्यूटर के पीसी पर आ गया हूँ दोस्तों। और मैं ये इसका मैं लिंक डालूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके आप आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने आईडी को चूज करूंगा, और डायरेक्ट यहाँ पर व्यू स्टेटस पर मैंने क्लिक करूंगा। जैसे व्यू स्टेटस पर मैंने क्लिक किया, अब मैं आपको विस्तार से आपको मैं समझाता हूँ दोस्तों। एप्लीकेशन सबमिट यानी कि एप्लीकेशन जब आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, जब अप्लाई हो जाएगा, जब फर्स्ट बार जब आप अप्लाई कीजिएगा न्यू कनेक्शन के लिए, जब अप्लाई हो जाएगा ये आपको हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकंड में, सेकंड में क्या होता है, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन डन बाय डिवीजन, ये आपको क्या करता है, डिवीजन वाला आप चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये डिवीजन वाला आपको जांच करते हैं कि जो भी आप डॉक्यूमेंट दिए हैं, जैसे लाइन का रिपोर्ट दिए हैं, अपना आधार कार्ड दिए हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट तो नहीं ना अपलोड कर दिए हैं लाइन के जगह पर कुछ और डॉक्यूमेंट। कभी होता है कि आपको लाइन के जगह पर कोई और डॉक्यूमेंट लोड हो जाता है, तो वो सब जांच करते हैं यहाँ पर। अगर सभी सब चीज़ आपको सब चीज़ ठीक रहा तो ये आपको हो जाएगा ग्रीन। सेकंड में आते हैं डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन, अब ठीक है, अभी सेकंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपको होगा, ठीक है, यानी कि थर्ड में, थर्ड में आपको होगा, यहाँ पर भी जांच हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको लोकल जांच करेंगे, ठीक है दोस्तों। लोकल जो होते हैं, जैसे यहाँ पर जो जांच करते थे, ये सेकंड में जो जांच कर देते हैं, जेई जांच करते थे और एई जांच करते थे दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको जांच करेंगे जो आईटी जो मैनेजर होते हैं, वो आपको जांच करेंगे, यानी इन दोनों मिलकर जांच करेंगे। होता क्या है दोस्तों, सिंगल फेस का ए जांच करते हैं, और थ्री फेस का ए सिंगल फेस का जेई जांच करते हैं दोस्तों, और थ्री फेस का एई जांच करते हैं। ये जांच करके आपको यहाँ पर भेज देंगे, और फिर यहाँ पर आपको फिर आपको आईटी मैनेजर आपको जांच करेंगे।
और उसके बाद चौथा में आपको अगर सबसे ठीक ठाक रहा तो आपको यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। और चौथा में आपको ड्यू वेरिफिकेशन, आप पहले से आपके नाम से कोई कनेक्शन चल रहा है उसका ड्यूज आपको चेक किया जाएगा। अगर आपको सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो ये भी ग्रीन हो जाएगा। अगर आपको ड्यूज है और अगर ड्यूज नहीं चुका है तो आपको पहले ड्यूज को चुका लीजिएगा, नहीं तो आपको ये रेड हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको टेक्निकल, टेक्निकल में क्या होता है, यहाँ पर आपको ये देखा जाता है कि आपको जहाँ पर आप कनेक्शन के लिए अप्लाई किए हैं वहाँ पर पोल है कि नहीं, वहाँ पर वायर कितना दूरी में है, ये आपको चेक करने आते हैं। अगर आपके पास पोल पास में है, आप वायर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, अगर पोल पास में है और आप वायर के भी इंतजाम कर दिए तो आपको आपको ये भी ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद मीटर इंस्टॉल, मतलब मीटर के लिए आपको, मीटर के लिए आपको आएंगे और यहाँ पर मीटर के लिए स्थापित होगा। और उसके बाद आप जब मीटर लग जाएगा तो आपको मीटर के एक फोटो खींचा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर मीटर मीटर इंस्टॉल होगा और मीटर के आपको फोटो खींच कर आपको जैसे यहाँ पर मीटर लगा दिया जाएगा। मीटर जब लग जाएगा टेक्निकल, उसके बाद यहाँ पर आएगा तो मीटर अप्रूवल होगा, मीटर का फोटो खींचा जाएगा, उसके बाद ये दोनों भी ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपको लास्ट में क्या होता है, लास्ट में आपका बिलिंग यानी कि बिल नंबर एक होता है, उपभोक्ता आईडी होता है। अभी तो हम लोग रिक्वेस्ट आईडी से इतना चीज़ को देख रहे थे, उपभोक्ता आईडी होता है और यहाँ पर आपको उपभोक्ता आईडी जनरेट कर दिया जाता है, इससे आप फिर आप अपने बिल को भुगतान कर सकते हैं। तो मैं फिर से आपको समझा देना चाहता हूँ, फर्स्ट में जो आप अप्लीकेशन जो कीजिएगा यहाँ पर आपको फर्स्ट में मैं फिर से आपको समझा देना चाहता हूँ। फर्स्ट में जब आप एप्लीकेशन कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा। सेकंड में जो क्या होता है, डिवीजन चेक करता है, यानी कौन चेक करता है, डिवीजन जिसको बोलते हैं, ए आपको जेई और एई ये दोनों चेक करते हैं। सिंगल फेस का जेई चेक करता है और थ्री फेस का आपको एई चेक करते हैं। बस इसको चेक करके फिर आपको थर्ड में यहाँ पर आपको भेजता है आईटी को, आईटी मैनेजर को, फिर आपको लोकल जो आईटी होते हैं ये आपको चेक होता है। आपको चौथा में ड्यूज वेरिफिकेशन चेक होता है, ड्यूज वेरिफिकेशन होता है चेक कि आपके नाम से ड्यूज है कि नहीं, अगर ड्यूज होगा तो आपको पहले पे करना पड़ेगा और सब चीज़ ठीक ठाक रहा तो आपको हो जाएगा ग्रीन। टेक्निकल में आपको क्या होगा, टेक्निकल में आपको आएंगे, ठीक है ना, टेक्निकल में आपके पास आएंगे और आपका ये चेक होगा कि आपका पोल की दूरी, वायर की दूरी कितना है, ठीक है ना, और उसके हिसाब से ठीक ठाक रहा तो आपको यहाँ पर भी ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मीटर इंस्टॉल के पहले आपको ये भी चेक किया जाता है कि आप जो कनेक्शन के लिए आपको आपको मीटर जो है 1 KB 2 KB कितना KB है घटाना है बढ़ाना है, ये आपको टेक्निकल आने से पहले यानी कि इसे कंप्लीट होने से पहले आप इसको करवा लीजिएगा, नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद आपको मीटर लग जाएगा, उसके बाद आपको मीटर का फोटो होगा और उसके बाद आपको बिलिंग एक आपको रिसीविंग नंबर आपको मिल जाएगा जिससे आप बिल भर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर नीचे देखिए शो करते रहता है कि आपके आवेदन किस तकनीकी इसके लिए जाँच पूरी हो चुकी है, यहाँ पर नीचे शो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पर नीचे आपको शो करते जाएगा। तो आई होप दोस्तों मैं अच्छा से आपको बताने के लिए आपको समझाया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।